300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए। आप लोगों का जोश देख के समझ में आ जाता है कि सरकार तो बन रही है 2024 में। लोग बहुत तेजी से पूरे हरियाणा में एक राय होते जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के लोगों के साथ धोखा किया है, हरियाणा के लोगों को लूटा है, भ्रष्टाचार में पूरा हरियाणा डूबा पड़ा है, बिजली यहाँ पे आती नहीं। आप सोचिए कौन सी सदी में हम हैं, और खट्टर सरकार ने लोगों के हाथ में वापस से ये बिजना पकड़ा दिया है। लोग इससे काम चला रहे हैं, किसी हिस्से में हरियाणा के चले जाओ, बिजली की बहुत बुरी हालत है, बाढ़ से आधे डिस्ट्रिक्ट डूबे पड़े हैं। खट्टर साहब हेलीकॉप्टर में घूम करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं, इसलिए लोगों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और आम आदमी पार्टी के प्रति रुझान बहुत तेजी से लोगों में बढ़ता जा रहा है। लोगों की इच्छा है कि जैसे पंजाब में और दिल्ली में मूलभूत सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं और वर्ल्ड क्लास मिलती हैं, बिजली पानी फ्री मिलता है, स्कूल शिक्षा और अस्पताल फ्री मिलता है, वैसे ही हरियाणा के लोग भी चाहते हैं कि ये आम लोगों का राज, आम जनता का राज हरियाणा के अंदर भी आना चाहिए। उसके लिए पुरजोर कोशिश हरियाणा में हम लोग भी कर रहे हैं और जनता भी पूरी ताकत से हमारे साथ जुड़ रही है। पहली बार आम आदमी पार्टी आई है जो इन मुद्दों के ऊपर राजनीति भी करती है और इन मुद्दों को सफलतापूर्वक सरकार आने पर पूरा भी करती है। इसलिए सभी लोगों का ये बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, नैलो, इनसे मोह भंग होना शुरू हो गया है। लोगों को पता चल गया है कि इस राज चलाना, सरकार चलाना कोई बड़े तुर्रम खां लोगों का काम नहीं है, आम जनता भी अपना राज चला सकती है, अपनी सरकार बना सकती है। इसलिए आम जनता अब अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। मैं जगह जगह जनता के बीच में जाता हूं तो पूछता हूं, अगर घर की सफाई करनी हो, हाथ से सफाई हो जाएगी क्या? सारे दिन भी फर्श पे हाथ मारते रहोगे तो घर साफ नहीं होगा। कमल के फूल से सफाई हो जाएगी क्या? कमल का फूल लेकर लगे रहना सारे दिन, घर साफ नहीं होगा। घर साफ करना है तो किस चीज की जरूरत पड़ती है? झाड़ू की जरूरत पड़ती है। ये सारी जनता को समझ आ गया, अगर हरियाणा को साफ करना है तो झाड़ू की जरूरत पड़ेगी, भ्रष्टाचार खत्म करना है तो झाड़ू की जरूरत पड़ेगी। लोग पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। कोई भी एक आम आदमी, आम घरों से निकला हुआ कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा। मंत्री कुछ दिन पहले कह रहे थे कि अगर 2024 में मौका नहीं दिया जनता ने तो चद्दर तान के सो जाऊंगा। जनता ये कह रही है कि चद्दर हम भिजवा देते हैं मुख्यमंत्री जी, अभी से तान के सो जाओ। जनता तो आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी से, अपने दिलों से, अपने दिमाग से अभी से उतार चुकी है। आपके एक साल होने नहीं होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप तो अपना चद्दर तान के सो जाओ। 24 के बाद जनता वैसे भी चद्दर तान के सुला देगी। आम आदमी का राज आ रहा है, 24 में अपना राज बनाएंगे, अपनी समस्याएं खुद सुलझाएंगे। मणिपुर 3 महीने से जल रहा है, प्रधानमंत्री विदेश के दौरे कर रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, फंक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, मणिपुर के ऊपर नहीं बोलते। वहां पे मणिपुर की हमारी बहनों को नग्न अवस्था में सड़क के ऊपर घुमाया गया, वीडियो बना के वीडियो रिलीज किया गया। बीजेपी की सरकार वहां भी है और केंद्र में भी है, मौन साधे बैठे हुए हैं। इससे साफ पता चलता है कि महिलाओं की कोई खास इज्जत नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, और इसलिए पूरे देश में एक आक्रोश उबल रहा है। तमाम महिलाएं पूरे देश की गुस्से में हैं कि उनका जो अपमान, उनका जो तिरस्कार भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है, उसका बदला पूरे देश में लिया जाएगा।